हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मालपुआ रबड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो सावन में ही ज़्यादातर खाए जाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया है, आधी कटोरी ही मैंने सूजी ले ली है। इसमें मैं 2 चम्मच सौंफ ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसका बैटर रेडी कर लेंगे। इसमें मैंने लगभग 1.5 कप दूध ऐड कर दिया है। इसका बैटर रेडी है, इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए ढक के। तब तक हम रबड़ी रेडी कर लेंगे। ये मैंने 1 किलो दूध ले लिया है, इसमें हम 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। विस्कर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को ऑन करके इसे बॉयल आने तक पका लेंगे। दूसरी तरफ हम मालपुए के लिए चाशनी बना लेंगे। ये मैंने 2 कप शुगर ले लिए, इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। ये मैंने केसर भिगो के रख दिया था पानी में, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम मिक्स करके बॉयल आने तक पका लेंगे। दूध में भी उबाल आ गया है, अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर थिक कंसिस्टेंसी तक पका लेंगे। चाशनी भी अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये एकदम चिपचिपी हो गई है, इसका मतलब ये बनकर तैयार है। दूध को हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे, ताकि ये नीचे ना लगे। इसमें हम 2 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हम इसमें कम ही ऐड करेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर भी ऐड किया है, वो भी मीठा होता है। थोड़ी सी इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अब रबड़ी थिक हो चुकी है, अब हम गैस को बंद करके इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो जाएगी। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं, एकदम सही बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें दूध और ऐड नहीं करेंगे। गैस पे मैंने देसी घी गरम करने के लिए रख दिया था, अब हम इसमें बैटर चेक कर लेंगे डाल के। ये देखिए, डालते ही अपने आप ऊपर आ गया, इसका मतलब बैटर एकदम सही बना है। अब हम इसमें बाकी के मालपुए हम रेडी करेंगे। साथ ही में हम इसे चाशनी में ऐड करते जाएंगे।
मालपुए रबड़ी सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।